हेलो एवरीवन आज हम ये जूता लेकर आए हैं ये मैंने दो कलर में बनाया है बहुत प्यारा जूता है ये देखिए और यहाँ पर इसकी मैंने अलग से ये डिज़ाइन बनाई है देखेंगे आप ये अलग से बनाई है और इसका जो नीचे का सोल है ये मैंने दूसरे कलर से बनाया है इसको मैं इस कलर का भी बना सकती थी लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये दो कलर का यूज़ किया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि यहाँ पर मुझे फंदे कैसे कम करने हैं और किन को प्रॉपर रखना है तो आप चाहे तो इसको एक कलर में भी बना सकती हैं लेकिन मैंने ये दो कलर में बनाया है देखिए और ये मैंने छः और सात नंबर के लिए बनाया है पाँच नंबर के लिए मैं फंदे बता दूंगी आपको कितने फंदे लेने हैं या आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मालूम कर सकती हैं कि आपको कितने फंदे रखने हैं उसमें भी मैं बता दूंगी चलिए इसके लिए मैंने दो कलर का ऊन लिया है आप अपनी मर्जी से आप जो को जो कलर अच्छा लगता हो वो ले लें और दस नंबर की नीडल ले लें और हम इसको बनाएंगे आज और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अभी अभी मैंने चैनल शुरू किया है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और एक कमेंट जरूर करना शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए इसके लिए मैंने सलाइया ली हैं और दो कलर का ऊन लिया है जो भी आपको उपलब्ध हो वो दो कलर का ऊन ले लें और इसमें मैंने इसे मैंने डबल ऊन करनी है देखिए इस प्रकार मुझे डबल ऊन कर लेनी है और इसको डबल करने के बाद हम यहाँ पर एक लूप बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ये बन लूप ले लिया है और अब हम यहाँ पे 50 स्टिच डालेंगे 50। इसी प्रकार हम अपने फंदे कंप्लीट करेंगे पचास फंदे देखिए मैं इनको कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पर मैंने फिफ्टी स्टिच ले लिए हैं पचास फंदे देखिए काउंट कर लेते हैं एक बार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस ये पच्चीस हो गए एक बार और काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर और ये ट्वेंटी फाइव पी हो गई ये अब हम इसको बनाएंगे यहाँ पर एक नोट ले लेते हैं अब हम इसको एक उल्टा और एक सीधा फंदा बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे इसी प्रकार हम इसको सारी को कंप्लीट करेंगे हमारी सेकेंड रो है ये इसको भी हम इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे देखिए हमें यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रो कंप्लीट करनी है ये हमें यहाँ पर ये सिक्स रो कंप्लीट करनी है एक उल्टा और एक सीधा फंदा बुनते हुए फिर हमें ये दूसरा कलर ऐड करना है तो मैं इसी प्रकार बनाऊंगी और इसको कंटिन्यू रखूंगी छह सिलाइया यहां पर मैं अपनी पूरी कर लेती हूं ये हमने बुन लिया है इतना देखिए अब हम दूसरा कलर ऐड करेंगे इसमें अब हम इसमें यहाँ पर वन टू थ्री फोर फोर रो कंप्लीट करेंगे इसकी इस कलर की फिर फोर रो इसकी कंप्लीट करने के बाद फोर इसकी करेंगे और फोर फिर इसकी करेंगे और फोर यहाँ पर इस वाले की करेंगे तो मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए हमने ये इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है सिक्स रो यहाँ है फोर रो फोर रो फोर रो और फिर ये फोर रो अब हमें देखिए ये वाला पोर्शन बनाना है इसका ये वाला हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है इसको यहाँ तक अब हमें ये वाला बीच का बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है अब हमें बॉर्डर नहीं बनाना है रिप की बुनाई नहीं करनी है अब हम इसको सिंपल सिंपल बुनेंगे इसी प्रकार हम इसको सिंपल बुनते हुए यहां तक कंप्लीट कर लेंगे देखिए हमने वन रो कंप्लीट कर लिए इसमें हमें कोई भी फंदा ऐड नहीं करना है जितने फंदे हैं हमें उसी को बुनना है अब हम इधर आ गए हैं इधर से हमें सारी सिलाई उल्टा बुनते हुए करनी है ये इस प्रकार से हमें छह सिलाइया करनी है उल्टी तरफ से उल्टी बुननी है और सीधी तरफ से सीधा बुनना है उल्टा और सीधा बुनते हुए हमें छह सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है ये हमारी दूसरी सिलाई है दूसरी रो है ये हमारी सेकंड रो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ देखिए हमारी फोर्थ रो आ गई है इसको हम सीधा बुनेंगे इधर से इसी प्रकार मुझे दो रो और करनी है एक उल्टी तरफ से और एक सीधी तरफ से तो मैं इसको कर लेती हूं देखिए हमने यहां से यहां से यहां तक ये यह सिक्स रो कंप्लीट कर ली है ये सीधी साइड है मेरी और ये मेरी उल्टी साइड है अब हम यहां पर दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे देखिए अब हमें यह डिजाइन बनाना है ये वाला तो हम यहां पर दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे इसी प्रकार इसको सबको कंप्लीट करेंगे देखिए हमारी ये रो कंप्लीट हो गई अब हम फिर से इधर की साइड आएंगे और इधर हमें ये उल्टा बुनते हुए इसको कंप्लीट करना है सभी फंदों को देखिए ये सभी फंदे को बुनना है देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिए उल्टी सिलाई अब हम इस साइड आ गए हैं इस साइड आने के बाद इससे बुनेंगे हम दूसरे सेकंड कलर से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे देखिए हमने इधर से सिलाई कंप्लीट कर ली है अब हम इधर आ गए ये हमारी सीधी साइड है अब हमें इधर से सीधा बुनना है उल्टी तरफ से हमें उल्टा बुनना है और सीधी तरफ से हमें सीधा बुनना है देखिए इस प्रकार तो अब हम यहां पर देखिए हमने ये बना लिया है अब हम इसको बनाएंगे और इसको बनाने के बाद हम इसे इसे बना लेंगे और इसके बाद हम तीन सिलाइया कर लेंगे तो हम इतना कर लेते हैं इसी को इसी पैटर्न को दोहराते हुए हम यहां तक कर लेते हैं देखिए सीधी तरफ से सीधा बुनना है और उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है देखिए हमने ये इतना कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर हमने छः प्लेन सिलाइयाँ ली हैं फिर दो का ये डिज़ाइन बनाया है फिर छः सिलाइयाँ की हैं दो का ये डिज़ाइन बनाया है और मैंने यहाँ पर चार सिलाइयाँ कर ली हैं ये ये मैंने चार सिलाइयाँ करने के बाद इन फंदों को तीन जगह कर दिया है सत्रह फंदे इधर हैं सत्रह फंदे इधर हैं और सोलह फंदे हमारे बीच में हैं तो देखिए अब हमें क्या करना है हम धागा तो तोड़ेंगे नहीं हमें इनको ऐसे ही बुनते हुए ले जाना है धागा नहीं तोड़ेंगे हम यहाँ पर मैं दूसरे कलर की ऊन को भी यहाँ पर ऐसे ही ले आई हूँ फंदों के साथ बुनते हुए इन फंदों को हम बुनेंगे देखिए मार्कर को हम निकालेंगे नहीं मार्कर खुल गया मेरा लेकिन हम इसको निकालेंगे नहीं हम इस सिलाई में डाल लेंगे इसी प्रकार क्योंकि हमें ये फंदे अभी दूसरी सुई सिलाई में कर लेने हैं इन फंदों को भी बुन लेंगे इसी प्रकार मैंने इधर के फंदे बुन लिए हैं और बीच के फंदे बुन लिए हैं जो मेरे इधर के फंदे हैं ये इनको मैं नहीं बुनूंगी इसके लिए मुझे देखिए इनके लिए मैंने अब क्या करना है यहां पे मेरा मार्कर लगा हुआ था और सत्रह फंदे मेरे इधर हैं तो हम इन फंदों को निकाल लेंगे और सेफ्टी पिन ले लेंगे आप सुई में धागा लें चाहे धागे में बांध दें इनको और इन सत्रह फंदों को इस तरीके से कर दें इनको इनको अब हमें नहीं बुनना है अब हम वापस इन फंदों को बुनेंगे देखिए, ये हमने सोलह फंदे बुन लिए हैं अब हमारे इधर के फंदे बचे ये वाले तो इनको भी हम निकाल लेंगे और दूसरी सेफ्टी पिन में इनको डाल लेंगे एक बार चेक कर ले कोई फंदा रह तो नहीं गया है देखिए इधर हमने तीन हिस्सों में कर लिए थे तो एक ये इधर कर लिए मैंने सत्रह फंदे और सत्रह फंदे मेरे इधर है सेवनटीन और सेवनटीन और ये बीच के फंदे मेरे सिक्सटीन तो अब हम इनको बुनेंगे तो यहाँ पर मेरी सिक्स रो कंप्लीट हो गई है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स रो कंप्लीट हो गई है अब मैं इस वाले से इसको बुनूंगी पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे स्किप कर लेंगे पहला फंदा और इसको बुनेंगे पहला फंदा स्किप करेंगे और इसको सीधी तरफ उल्टा बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे देखिए अब जो पैटर्न हमारा ये वाला था सिक्स रो फिर टू सिक्स टू सिक्स रो हमें यहां पर करनी है और टू रोज का यह डिजाइन बनाना है तो यही हमें यहां से यहां तक इसको बना के लाना है इसी तरीके से अब हमें सिक्स रो इसकी करनी है देखिए पहला फंदा हम स्किप करेंगे मैं इसकी लंबाई कितनी रखनी है कितनी रो करनी है यह भी मैं आपको बताऊंगी देखिए ये सीधी साइड है तो सीधी साइड से भी हम पहला फंदा स्किप करेंगे और इसको बुनेंगे यहाँ पर इस प्रकार रो करनी है फिर छः के बाद टू रो ये करनी है जो पैटर्न हमारा यहां पर है वही पैटर्न इस अब हमें आगे फॉलो करना है तो मैं इसको कर लेती हूँ देखिए हमने ये इतना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और ये जो हमारी दो दो लाइनों की रो बनी है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये हमारी यहाँ तक आठ रो बनी है इस प्रकार और ये काउंट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब हम हमने ये वाला धागा तोड़ दिया है अब देखिए हम जो है यहाँ पर हैं ये हमने कंप्लीट कर ली है अब हमें ये बनाना है ये वाला पोर्शन तो पहले मैं ये वाला पोर्शन बनाऊंगी उसके बाद हम ये बनाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है पहला फंदा स्किप करेंगे यहां पर थोड़ा राउंड शेप आ जाता है इसलिए मैं ये बना रही हूं अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं देखिए ये तीन फंदे छोड़ दिए मैं धागा पीछे घुमा लूंगी तीन फंदे हमने इधर छोड़ दिए तीन स्टिच थ्री स्टिच धागा घुमा लेंगे देखिए ये थ्री स्टिच हमने पहले छोड़े थे थ्री हम इस बार छोड़ेंगे धागा घुमा लेंगे देखिए थ्री और थ्री धागा घुमा लेंगे हमने टू छोड़ दिए इस बार और इन दो को हम बुन लेंगे टू को देखिए यह कुछ इस तरीके से हो गया अब हमें क्या करना है देखिए यह हमारा इस प्रकार का बन गया है यह हमारा इस प्रकार का बन गया है तो अब हमें यहाँ से आपके पास अगर सर्कुलर नीडल है तो आप उन्हें ले लें लेकिन मैं सर्कुलर नीडल नहीं लूंगी मैं सिलाइयों से ही करूँगी एक सिलाई में यहाँ से ले कर यहाँ तक आधे तक लाऊँगी और एक सिलाई में अपनी यहाँ से ले कर यहाँ तक लाऊँगी मैं सर्कुलर नीडल नहीं यूज करूँगी क्योंकि मुझे उसमें अच्छा नहीं लगता उसका तार थोड़ा टाइट सा रहता है तो मैं उसको बनाऊँगी नहीं मैं सिलाई उसे बनाऊँगी चलिए मैं यहाँ से फंदे उठा लेती हूँ अभी हम क्या करेंगे इन फंदों को बिना बुने इस सिलाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे देखिए और हम यहाँ से फंदे उठाएंगे देखिए मैं इस धागे को यहाँ से कट कर लूंगी थोड़ा सा दूर से कट करूँगी, इतना छोड़ दिया है मैंने ये कट कर लिया अब हम यहाँ आएंगे इन फंदों को निकाल लेंगे और अपनी निडिल में इनको वापस डाल लेंगे कोई फंदा छूटे ना सभी को लेना है और एक बार चेक कर ले कोई फंदा छूटा तो नहीं है अब हमें यहां से फंदे उठाने हैं देखिए अब हम फंदे कैसे उठाएंगे हमने जो एक फंदा बिना बुना लिया था उसकी ये जाली बन जाती है देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो किनारी बनती है उसके बीच से हम फंदा उठाएंगे यहाँ से इस तरीके से यहाँ से फंदा उठाएंगे हम इस तरीके से तो मैं इन जालियों के बीच से ही फंदे उठाऊँगी जितने भी फंदे उठेंगे मेरे मुझे जालियों के अलावा कहीं से ही फंदे नहीं उठाने हैं देखिए जितनी जालियां हैं मेरी उन्हीं में से फंदे उठाऊंगी मैं इस प्रकार तो मैं सारे फंदे उठा लेती हूँ देखिए हमने यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं अपने और ये जो फंदे हैं ये वाले हम इन्हें आधे इस सिलाई में लेंगे और आधे दूसरी सिलाई में लेंगे तो हम ऐसे ही अंदाजे से आधे फंदे कर लेते हैं बुनते हुए करेंगे इनको क्योंकि हमें ये धागा इधर लेके आना है देखिए आधे फंदे मैंने इधर कर ली है आधे फंदे में दूसरी सिलाई में करूँगी एक दो सिलाइयों में थोड़ी दिक्कत होगी बाद में ये जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा बुनता जाएंगे वैसे वैसे ये अपने आप सेप में आ जाएगा देखिए अगर आपके पास सर्कुलर लिडल है, तो आप उन्हें ले सकती हैं लेकिन मैं सिलाइयों से ही बुनूंगी अब जिस प्रकार हमने यहां पर फंदे उठाए हैं ये उसी तरीके से हम इधर भी फंदे उठाएंगे देखिए पहला फंदा तो मैं यहां से ही उठाऊंगी धागा पीछे कर लेंगे यहां से जितनी भी हमारी ये जालियां बनी हुई है उसी में से बनाएंगे जो हमारी ये बन जाती हैं मैं सारे फंदे उठा लेती हूं इसके और आपको ये ध्यान रखना है कि जो फंदे हमारे इधर जितने फंदे हमारे इधर उठे हैं उतने ही फंदे हमारे इधर हो अगर एक दो फंदा कम है तो आप उसको घटा लें या बढ़ा लें क्योंकि यहां से यहाँ तक के फंदे इस जूते के और इस जूते के बराबर रहने चाहिए तो मेरे यहाँ पर पच्चीस फंदे थे इधर पच्चीस इधर थे और पच्चीस इधर थे तो मैं पच्चीस पच्चीस फंदे इधर रखूंगी और पच्चीस ही इधर रखूंगी अगर एक या दो फंदे ज्यादा होते हैं तो कम कर लें और कम होते हैं तो बढ़ा लें चलिए हम फंदे उठा लेते हैं देखिए मैंने यहां पर ये फंदे उठा ली हैं और अब ये जो हमारी इसमें सेफ्टी पिन में जो फंदे थे इनको निकालेंगे और इस सिलाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे सावधानी के साथ करें क्योंकि ये फंदे अगर एक बार नीचे स्किप हो गए तो फिर वो स्किप होते रहते हैं बहुत परेशानी होती है उनको वापस बुनने में देखिए आधे फंदे मेरे इस सिलाई में हैं और आधे फंदे मेरे इस सिलाई में हैं अब हम यहाँ से बुनेंगे मैं ये धागा तोड़ूंगी नहीं अब इसके लिए मैं क्या करूंगी? देखिए ध्यान से हम यहाँ से ये थोड़ा ढीला करके इसको नाप लेंगे कितना धागा आ रहा है और यहाँ से हम इसको बुनेंगे और इस को हम इसके साथ लेते हुए बुनेंगे तो ये हमारा धागा टूटेगा भी नहीं और इसमें एडजस्ट हो जाएगा देखिए ध्यान से देखिए ये मैंने ऐसे करा और इसको हम यहाँ पे रख देंगे और ये बुनेंगे और चाहे आप इस तरीके से कर सकते हैं देखिए यहाँ से दोनों तरीके एक ही हैं हमारा धागा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि हमने यहाँ से यहाँ को धागा ट्रांसफर किया था इसी प्रकार हम उल्टी सिलाई कर लेंगे सारी ये फंदे भी हम उल्टे बुन लेंगे और ये वाले फंदे भी हम उल्टे बुन लेंगे चलिए मैं यहाँ यहाँ के बाद बताती हूँ आपको कैसे करना है देखिए हमने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है ये एक साइड की अब हम इसी को इस तरीके से घुमा के इधर लाएंगे यहां से हम दूसरी सिलाई लगाएंगे और पहले फंदे को खींच के बुनेंगे ताकि यहां पर गैप ना आए इसी प्रकार हम ये वाले पूरे फंदे बुन लेंगे देखिए हमने अपनी पहली रो कंप्लीट कर ली है पहली रो हमारी यहाँ से शुरू होती है ये वाले फंदे और ये वाले फंदे पूरे बुनने के बाद हमारी एक रो कंप्लीट होती है अब हम इधर आ गए हैं तो इधर से भी हमें उल्टा बुनते हुए जाना है सभी फंदों को उल्टा बुनना है सीधी तरफ से भी हमें उल्टा बुनना है और उल्टी तरफ से भी हमें उल्टा बुनना है देखिए इस पर और इसी तरीके से हमें यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फाइव रो कंप्लीट करनी है ये फाइव लाइन और ये हमारी दस सलाइयों में कंप्लीट होंगी ये यहाँ से यहाँ से यहाँ तक हमने दस सलाइयाँ करी हैं और दोनों तरफ से हमने उल्टा बुनते हुए करी है तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं देखिए जिस प्रकार मैं अभी बुन रही हूँ दोनों तरफ से हमें इसी प्रकार बुनना है उल्टा उल्टा सीधी तरफ से भी हमें उल्टा बुनना है और उल्टी तरफ से भी हमें उल्टा बुनना है और हमें ये दस सलाइयाँ कंप्लीट करने कर लेनी है देखिए जैसे ये हमारी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है इस तरीके से तो अब जो ये हमारी सिलाई खाली हुई है इसी को हम इस सिलाई में लगा लेंगे कैसे लगाएंगे देखिए इसको पहले फंदे को थोड़ा सा खींच के मिला के इन दोनों सिलाइयों को तब बुनेंगे ताकि यहाँ पर गैप ना रहे और बुनने के बाद भी थोड़ा सा हल्का सा खींच देंगे देखिए अब आप उसे छोड़ दें पहली सिलाई को अब यहां पर गैप नहीं आएगा इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे उल्टा बुनते बुनते देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है हमारी यहां पर दस सिलाइयां हो गई हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव ये हमारी दस सिलाईया हो गई हैं और हमारा धागा इस सिलाई में है तो अब हमने देखिए क्या किया है इन फंदों को हमने तीन जगह बांटा है जितने फंदे हमारे इधर हैं उतने ही हमने इधर रखे हैं और चौदह फंदे हमने बीच में लिए हैं ये चौदह फंदे हैं हमारे बीच में और फोर्टी फोर स्टिच इधर है और फोर्टी फोर स्टिच इधर है इधर सेवनटीन स्टिच है सेवनटीन नहीं सॉरी फोर्टीन यहाँ पर फोर्टीन स्टिच है फोर्टी फोर यहाँ है फोर्टी फोर यहां पर है चलिए अब हम इनको बुनते हैं आप इस सिलाई को जरूर देखें क्योंकि ये सिलाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम ये यहाँ का ये डिजाइन शुरू करेंगे पुरी ये हम आधी सिलाई करेंगे जहां तक हमारा मार्कर लगा हुआ है उल्टा बुनते हुए देखिए यहां पर हमारा ये मार्कर आ गया है तो अब हम इस धागे को तो कट कर देंगे यहां पर और अब हम दूसरा ऊन लेंगे मैं इन सभी फंदों को एक सिलाई से बुनूंगी इस बार देखिए ये जो फोर्टीन स्टिच मैंने बीच में रखे हैं इनको हम अब दूसरे कलर की ऊन से बुनेंगे देखिए इन दोनों धागों को बीच में दबा देंगे यहाँ पर हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और सेवन का मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो ये फ़ोटीन स्टिच हमारे हो जाते हैं यहाँ पर हमारे फोर्टीन चौदह फंदे हैं मार्कर निकाल देते हैं अब हम वापस ऐसे घुमा लेंगे इसको हम इधर के फंदे गिन लेते हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू को जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्टी फोर हो जाते हैं फोर्टी फोर ही हमारे इधर है अब हम क्या करेंगे देखिए इस तरीके से पहला फंदा हम स्किप करेंगे धागा अपनी तरफ करके इनको उल्टा बुनेंगे देखिए ये हमने बुन लिया एक स्टिच इस हमने इसी में रहने दिया है ये तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे धागा पीछे करेंगे और एक इस फंदे को और एक इस फंदे को दोनों को एक साथ बुनेंगे इस तरीके से हम यहाँ से वापस हो जाएंगे देखिए ये जो है यहाँ का सोल अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इसको बनाना यहाँ से हम ये सारा बनाना शुरू कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से देखें कि मैंने ये कैसे बंद किया है हम यहां से ही वापस हो जाएंगे पहला फंदा स्किप करेंगे उल्टा बुनेंगे इनको देखिए एक फंदा मैंने ये रहने दिया है इस फंदे के साथ और एक इस फंदे को हम एक साथ बुनेंगे इस तरीके से हम यहां से फिर वापस हो जाएंगे इसको उतार लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे वापस उल्टा देखिए एक फंदा रह गया मेरा धागा पीछे करुँगी मैं ये वाला और इस फंदे को इस तरीके से डालेंगे इसमें इस फंदे को और एक इस फंदे को हम एक साथ बुनेंगे देखिए यहाँ से हम वापस हो जाएंगे अपनी सिलाई घुमा लेंगे पहला फंदा उतार लूँगी बिना बुना वापस हो जाएंगे। अब हम इन्हीं चौदह फंदों को बुनेंगे बार बार और बाकी के जो बैंगनी कलर के फंदे हैं हम उनको इनके साथ घटाएंगे। ये चौदह फंदे चौदह के चौदह रहेंगे इनमें से कोई फंदा नहीं घटेगा देखिए ये एक फंदा बचा मेरा सिलाई में देखिए एक इस फंदे को और एक इस फंदे को इन दोनों फंदों को मैं एक साथ बुनूंगी निकाल देंगे अब यहाँ से ही हम वापस हो जाएंगे पहला फंदा बिना बुना लेंगे धागा अपनी तरफ एक बार और बता देती हूं मैं आपको देखिए एक फंदा मैंने यहां पे रख लिया देखिए धागा पीछे करूंगी मैं ये वाला एक ये फंदा और एक ये फंदा देखिए दो फंदे हैं मेरे इन दोनों फंदों को एक साथ दूंगी इस तरीके से इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और हम यहाँ से इस तरीके से इसको बंद कर लेंगे यहाँ तक फिर यहाँ से मैंने ये और फंदे घटाए हैं यहाँ पर फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे कराया मैंने अब मैं इन फंदों को बंद कर लेती हूँ इसी को रिपीट करते हुए हमें इनको बंद करना है देखिए हमने इतना बंद कर लिया है ये यह, यहाँ से यहाँ तक बंद कर लिया है अब देखिए हमारे सात फंदे तो इधर बचे हैं तीन तीन छः और एक ही सात और सात ही फंदे हमारे इधर बचे हैं तीन तीन छः और एक सात सात फंदे इधर हैं और सात फंदे इधर हैं और चौदह फंदे हमारे ये ये हैं ये वाले तो हम अब इन्हें घटाएंगे इस तरीके से जैसे हमने ये घटाए हैं तो उसके लिए हमें सात फंदे इधर और सात फंदे इधर रोक के रखने हैं देखिए अब हम इनको घटाएंगे पहले हम ये फंदा भी बुन लेते थे और इस फंदे के साथ इसको घटाते थे लेकिन अब क्या करना है हमें दो फंदे छोड़ने हैं एक ही वाला एक ही वाला अब इन दो फंदों को छोड़ने के बाद ये वह जो फंदा है इस फली के साथ जो आ रहा है उस फंदे को हम आगे लेके आएंगे देखिए आगे ले आए अब हम एक तो ये दो फंदे हो गए और एक ये वाला फंदा इन तीन को एक साथ घटाएंगे इस प्रकार यहां से वापस हो जाएंगे देखिए इधर भी मैंने दो फंदे रोक लिए हैं ये तो अब हमें क्या करना है यह जो हमारा बीच वाला फंदा है फली का इसको हम ऊपर लेके आएंगे देखिए इस प्रकार से ये हमारा फली का हो गया इस साइड इस साइड और अंदर का ये हो गया दो फंदे ये और एक ये इन तीन फंदों को हम बुनेंगे एक साथ फिर से वापस हो जाएंगे देखिए दो फंदे हमारे रुक गए हैं अब हम इस वाले फंदे को इधर लेके आएंगे और इस वाले फंदे को इधर लेके जाएंगे देखिए जो ये हमारी फली बनती हुई आ रही है वो ये कंटिन्यू बनी रहे फिर हम दो फंदे ये दो फंदे ये ये वाले और एक ये वाला फंदा इन तीनों को एक साथ बुन देंगे वापस घूम जाएंगे पहले फंदे को हमें बिना बुना नहीं बिना ही लेना है बुन के नहीं लेना है इसको देखिए दो फंदे हमने इधर रोक लिए ये जो हमारा फंदा है फली वाला ये वाला इसको हम इधर ले लाएंगे और इस फंदे को इधर लेके जाएंगे यह हमारी फली अब भी कंटिन्यू आ रही है पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे धागा घुमा के उल्टा बुनेंगे इसको देखिए इस वाले फंदे को हम इधर लाएंगे और इन तीन फंदों को बुन देंगे इसी प्रकार हमें सारे फंदे बंद कर लेने हैं ये देखिए पहले हम दो दो फंदे बंद कर रहे थे अब यहाँ पे तीन तीन फंदे बंद कर रहे हैं देखिए हमने ये सभी फंदे बंद कर लिए हैं इस प्रकार से और इस धागे को हम सिलने लायक छोड़ के कट कर देंगे और अब ये जो हमारा ये बचा है खुला हुआ हिस्सा हम इसको इस प्रकार रखेंगे ऐसे रख लीजिए चाहे और हम इसको देखिए ये हमारा सॉक्स बन गया और ये जो खुला हुआ हिस्सा है हम यहाँ से और यहाँ तक इसको सिल लेते हैं सुई से तो मैं सिल लेती हूँ इसको और सिलने के बाद दिखाती हूँ कैसा बन लग रहा है ये हमारे ये दोनों बन के कंप्लीट हो गए हैं और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और यहाँ पर ये सॉल जो है बिल्कुल अलग से डिफ़रेंट लग रहा है और इसमें बहुत सुकून मिलता है इनको पहनने के बाद कोई भी पहने इन्हें बड़ा बूढ़ा महिला बच्चे गर्ल्स कोई भी इसको पहन सकता है बहुत प्यारे हैं ये आप ज़रूर बनाएं इसे और कमेंट करके एक बार ज़रूर मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक यू